नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और मैं हूं संतोष भारती। दुर्भाग्य और सौभाग्य में या खराब प्रारब्ध और अच्छे प्रारब्ध में कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का, कुछ लम्हों का ही फर्क होता है। कल हम कह रहे थे कि कल का दिन भारत के लिए बहुत शुभ है, लेकिन वो अशुभ साबित हुआ। विनेश फोगाट फाइनल में जाते जाते अचानक डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा था। ये अलग बात है कि जिस मशीन से उनका वजन लिया गया, और खासकर ये वजन लेने वाली मशीनें रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, इन सारी चीजों में बहुत इनकी आलोचना होती है, लेकिन वो जिस मशीन से वजन लिया गया, क्या उसकी जाँच हुई? लेकिन बहरहाल जो हुआ वो हमारे सामने है। कल हम क्रिकेट में भी हार गए। हमारी दूसरी चीनू जिसको फाइनल में जाना था वो भी नहीं पहुंच पाई सेमीफाइनल में, और वो भी हार गई। तो कल का दिन खेल के लिहाज से भारत के लिए बहुत ही अशुभ रहा। अब सवाल सिर्फ ये है कि विनेश फोगाट ने अपना बेस्ट भारत को दिया। लगातार उसने एक दिन में 3 मैच जीते, उसके पहले जीते, बहुत सारे मेडल उसके नाम है, चाहे ओलंपिक गेम्स हो या एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उसने भारत को अपना सब कुछ दिया और अंत में कह दिया कि अब मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ और एक अपील की कि उसे सिल्वर तो मिलना चाहिए, सचमुच मिलना चाहिए। हमारे देश में विनेश को लेकर के वो सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, जिन्होंने विनेश का आंदोलन के दौरान विरोध किया था। लेकिन आंदोलन एक चीज है और देश का सम्मान एक चीज है। इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चित और सम्मानित अगर कोई नाम है तो विनेश फोगाट का है। तो मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि विनेश फोगाट ने को जो देश को देना था वो उसने दे दिया। अब देश के देने की बारी है, हमारे आपके देने की बारी है। हम विनेश का स्वागत विजयी की तरह करते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की तरह करते हैं, एक सामान्य खिलाड़ी की तरह करते हैं जो निकल के वहां से आया है, जिसे ओलंपिक में भाग लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये हमारे ऊपर है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपका विजेता की तरह स्वागत करेंगे, पर यही बात मनसुख मांडविया जो कल विनेश फोगाट को लेकर के संसद में बयान दे रहे थे, वो बयान इतना स्वागत योग्य है कि उसके स्वागत के लिए वर्णन नहीं है। क्योंकि ये स्वागत इसलिए है कि उन्होंने विनेश के लिए क्या किया जा सकता है, विनेश ने क्या किया, ये न गिना करके विनेश के ऊपर सरकार ने कितने पैसे खर्च किए उसका वो हिसाब गिना रहे थे। तो विनेश फोगटिया की तरफ से और देश की तरफ से मनसुख मांडविया को बहुत बहुत बधाई, और ये बताने के लिए कि आपने देश को ये जानकारी देकर देश का बहुत उपकार किया कि सरकार एक एक पैसे का हिसाब रख रही है जो उन्होंने खर्च किया। विनेश फोगाट ने देश के लिए जो किया वो उनको याद नहीं है। देश को कितना सम्मान दिलाया, सारी दुनिया में कम से कम 12 देश विनेश फोगाट के समर्थन में खड़े हैं, सिवाय भारत के खेल मंत्री के जिन्होंने संसद में बयान दिया। उन्हें संसद में ये बयान देना चाहिए था कि पूरी संसद विनेश फोगाट के साथ खड़ी है, उनके साथ हुए अन्याय के साथ खड़ी है, और हम इसको लेकर के ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर दबाव डालेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बात की है पीटी उषा जी से, जो IOC के अध्यक्ष हैं। बहरहाल ये सरकार के मंत्री का रुख है, जनता का रुख दूसरा है। जनता में दुख है, आंसू है, तकलीफ है, और हम ये मान के चल रहे थे कि हमें एक स्वर्ण पदक मिलेगा, एक स्वर्ण पदक ओलंपिक में विनेश फोगाट की वजह से सब लोग मान रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। आज फैसला आएगा उस कोर्ट का जिसमें विनेश ने अपील की है कि मुझे सिल्वर तो मिलना ही चाहिए, देखते हैं क्या उसका फैसला होता है। बहरहाल अब देश को, विनेश को सम्मान देने की बारी है, देखते हैं देश क्या करता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय बांग्लादेश है। बांग्लादेश में अभी भी शांति नहीं हुई है। मोहम्मद यूनुस जो वहां के अर्थशास्त्री हैं,
जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो वहां के प्रधानमंत्री आज बन जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि भारत को शेख हसीना को समर्थन नहीं देना चाहिए, इससे रिश्तों पर असर पड़ेगा। अब यहाँ भारत सरकार की परीक्षा है। भारत सरकार ने शेख हसीना को जो समर्थन दिया है और जो उन्हें भारत में रोका है, इसके अलावा भारत के पास कोई चारा नहीं था। ये मित्रता निभाने का समय है और बहुत हर्ष की बात है कि भारत सरकार मित्रता निभा रही है। लेकिन भारत सरकार को उसी तरह से बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते बनाने की पहल करनी चाहिए जैसे बाकी देशों में कर रहे हैं, क्योंकि डर मुझे ये है कि जिस तरह हमारे सारे पड़ोसी देशों में अशांति है, कहीं वैसी ही भारत में न हो जाए। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। अगर सरकार से आगे बढ़ के कहें तो सत्तारूढ़ पार्टी की है कि कोई भी ऐसा बयान न दे, अपने किसी भी अंग को ऐसे जुलूस निकालने की कोशिश न करें जो देश में बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ एक उन्माद भड़काए। देश में ऐसा शुरू हो चुका है। इसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रोक सकता है, इसको भारत सरकार रोक सकती है, इसको हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी रोक सकते हैं। तो प्रिय प्रधानमंत्री जी से ये आज अनुरोध है मेरा कि वो इस चीज को रोकें, क्योंकि हिंदुस्तान में शांति रहना हमारे विकास के लिए जितना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे पड़ोस के सारे मुल्क अशांत हैं। कहीं ना कहीं कोई आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कोई असंतोष है, वहां के सवाल हैं। उन सवालों के बीच में अगर हम अपने सवाल हल करना भूल करके हम उसी रास्ते पे चलें कि हमारे देश में शांति होगी, तो प्रधानमंत्री जी शायद ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं फिर आपसे कहता हूं, मैं एक नागरिक के नाते आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप किसी भी तरह से इस स्थिति को रोकिए। कुछ विषय असमय जब आते हैं तो आंदोलन खड़ा करते हैं, असंतोष खड़ा करते हैं। आज का समय ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे देश में किसी भी वर्ग में असंतोष फैले या हमारे विरोधी जो लोग हैं उन्हें ये लगे कि हिंदुस्तान अब एक हलवा हो गया है, उसे जिधर से चाहो उधर से खा सकते हो। बांग्लादेश को मैं ये कह रहा था कि ये सोचने की बात है और वो लोग रिसर्च करेंगे, पर मेरे मन में ये सवाल है कि जिस दल ने या जिस नेता ने बांग्लादेश बनाया, अवामी लीग, जिसने वहां अभी 15 साल तक शासन किया, वहां ऐसा क्या हो गया कि पूरा बांग्लादेश उनके खिलाफ खड़ा हो गया? सेना उनके खिलाफ खड़ी हो गई, छात्र उनके खिलाफ खड़े हो गए, ऐसा क्या हुआ? और ऐसा क्या कमाल हुआ कि अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं कि आईएसआई ने वहां छात्र आंदोलन भड़काया, हम चीन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने वहां पैसे की मदद की, जरूर की होगी, पर सरकार के लिहाज से भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश की सरकार ने ऐसी क्या गलती की कि उसके पास कोई खबर ही नहीं आई, इतना असंतोष फैल गया पूरे बांग्लादेश में, हर जगह इस समय शहर शहर में आंदोलन हो रहा है। क्या इतना बड़ा आईएसआई की ताकत है कि वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके सरकार के खिलाफ? क्या इतनी अमेरिका ने क्यों वीजा रद्द किया शेख हसीना का? उसे डर था कि शेख हसीना यहाँ से अमेरिका के लिए चल सकते हैं क्योंकि उनके पास वीजा था, उसने क्यों रद्द किया? ये भी सोचने की बात है कि शेख हसीना को दुनिया का कोई भी देश अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाना चाहता? यूके ने उन्हें आने से मना कर दिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, लंदन, मना कर दिया उन्होंने आने से कि हमारे यहाँ मत आइए। इंग्लैंड मना कर दिया कि हमारे यहाँ मत आइए। फिनलैंड ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने मना कर दिया, दुबई ने कोई रुचि नहीं दिखाई क्योंकि जैसे ही खबर आई वहां से मैसेज आ गया कि आप हमारे यहाँ मत आइए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब की ये स्थिति। तो ऐसा क्या शेख हसीना ने किया जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया उनकी दुश्मन हो गई और उनके समर्थन में एक देश खड़ा है जिसका नाम है भारत, इंडिया, वो उनके समर्थन में खड़ा है, उसने उन्हें शरण दी है और अभी वो हिंदुस्तान के एक एयरपोर्ट के सेफ हाउस में है, उनकी सुरक्षा सेना कर रही है।
वो हमारी अतिथि हैं और उनके पुत्र लगातार बयान दे रहे हैं और स्थिति को भड़का रहे हैं। वो इस मौके का फायदा उठा करके बांग्लादेश में शायद अपने को भावी नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कभी वो बयान देते हैं कि उन्होंने कहीं शरण नहीं मांगी, कभी कि आज वो चली जाएंगी, अब वो भारत में ही रहेंगी। हालांकि जयशंकर जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने संसद में कहा है कि अभी कुछ दिन शेख हसीना भारत में ही रुकेंगे। क्या एक निर्वासित व्यक्ति, एक जेल में बंद भूतपूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा तारिक इतना ताकतवर है कि उसने लंदन में बैठ करके इतनी बड़ी साजिश रच ली? नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों को और जो समाजशास्त्र के विद्वान हैं, अर्थ की दुनिया के विद्वान हैं, उन्हें इसके कारण तलाशनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि एक ठीक चलती हुई सरकार, जिसके विरोध में सेना हो गई, छात्र हो गए, राजनीतिक दल हो गए, पूरी जनता हो गई, जितने बड़े बड़े जुलूसों की फोटो हम देख रहे हैं वो तो वहां की जनता उनके खिलाफ, ऐसा क्या हो गया? और वो जो वहां हुआ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, किसी भी देश को उन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि वहां का पूरा सिस्टम शायद करप्ट हो गया था, उसने कोई जानकारी या सुधारने की कोशिश नहीं की। शेख हसीना के जो सलाहकार थे, उन्होंने शेख हसीना को ये नहीं कहा कि अपने विरोधियों से भी कभी बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी, अपने सलाहकारों से ज्यादा विपक्ष को महत्व दे। और हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, और मैं अटल जी तक की बात करता हूँ, इन सब लोगों ने अपने विपक्षियों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रखे और हमेशा उनसे बातचीत की। इंदिरा गांधी तक ने बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रखे, और इंदिरा गांधी तो आरएसएस से भी बात करते थे, उन्होंने संबंध रखे और देश में एक माहौल बना के रखा। तो प्रधानमंत्री जी, इसकी तलाश समाजशास्त्री करेंगे, पर आप बहुत समझदार हैं, आपको उन कारणों के बारे में अब तक आपके सलाहकारों ने बताया होगा। अगर शेख हसीना की तरह नहीं बताया होगा तो फिर आपके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप स्वयं उन कारणों को तलाशिए जिनकी वजह से शेख हसीना जैसी पॉपुलर लीडर, शेख मुजीब की मूर्ति गिराना, जितने भी बांग्लादेश युद्ध के या बांग्लादेश बनने के मेमोरियल्स थे, जितने भी म्यूजियम्स थे, उन सबको बर्बाद करना, उन चिन्हों को मिटा देना, ये क्या बताता है कि ऐसा क्या गड़बड़ हुआ अवामी लीग सरकार से या शेख हसीना से कि बांग्लादेश में लोग उनके खिलाफ हो गए? हमारे देश में ऐसा नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी अगर किसी एक की है तो वो सिर्फ हमारे लोकप्रिय प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री, एक अनुरोध आपसे और करना है, इस बार की बाढ़ है और पानी का प्लावन हिंदुस्तान में हर जगह है, और ये हर साल होता है, हर साल इसका बजट आता है और बजट बकायदा खा लिया जाता है। और प्रधानमंत्री जी, आपको शायद अंदाज होगा कि हमारे यहाँ 3 राष्ट्रीय महोत्सव होते हैं, बड़े राष्ट्रीय महोत्सव। एक जब बाढ़ आती है तब पहले से पता होता है कि बाढ़ आएगी तो इसमें कितना खर्च करना है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके स्थापना पुनर्स्थापना के लिए। जाड़ा आ रहा है तो कितने रैन बसेरे बनाने हैं, कितना सामान खाने का देना है, कितना लकड़ी देना है, कितने कंबल देने हैं, इसकी पहले से तैयारी होती है। और सूखा, इस सूखा अगर होता है तो कितना अनाज कहाँ जाएगा, कितना कैसे बटेगा ताकि लोग भूख से न मरे, ये तीसरा मौसम है। और चौथा मौसम है बाढ़ के बाद, ये बारिश का। पहले ही तय होता है कि बारिश में नालों की सफाई होगी, निकासियों की सफाई होगी, सारा कूड़ा निकाल करके बाहर फेंका जाएगा। आप जब मुख्यमंत्री थे, आपसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, और अब जब आप प्रधानमंत्री हैं, तब से ये समस्या हर साल दिख रही है। राज्य सरकारें बाकायदा इसका पैसा आवंटित करती हैं, लेकिन एक योजना के तहत नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की कहानी चल रही है और ये सारा पैसा खा लिया जाता है, कुछ नहीं होता, सब खा लेते हैं। नतीजा क्या होता है? वाटर लॉगिंग होती है,
लोग डूबते हैं, पानी में चलते हैं तो मेन होल खुला होता है, मेन होल में बच्चे गिर जाते हैं, आदमी गिर जाते हैं, उनका तो कोई हिसाब रखा ही नहीं जाता। बहुत सारे लापता लोगों का नामी सूची से काट दिया जाता है। और अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के ज्यादातर राज्य बाढ़ से बेहाल, दक्षिण की हमारे पास खबर नहीं आ रही, आती भी नहीं, क्योंकि हमारे टेलीविजन चैनल दक्षिण को मानते ही नहीं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो सिर्फ उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं 8-9, उन्हीं को देश मानते हैं और उन्हीं की खबर दिखाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं की खबरों को देखें तो प्रिय प्रधानमंत्री जी, आप देखिए, इसमें अब आपके हस्तक्षेप की जरूरत है। आप सारे मुख्यमंत्री को बुला करके जिम्मेदारी तय कराइए उन अधिकारियों की, जो अधिकारी इसके जिम्मेदार है। इतने साल हो गए, मुझे एक भी अधिकारी का नाम नहीं पता कि इस घटना के बाद उस अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी तय हुई हो और उसे कोई दंड मिला हो। दंड इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे अरबों रुपए का घर सामान खत्म होता है, जाने खत्म होती हैं, जिंदगी खत्म होती है, परिवार खत्म होते हैं। तो हम कहें तो किससे कहें, संसद से कह नहीं सकते क्योंकि संसद में कोई बात होती नहीं। तो प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, ये एक आपके देश का नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते, और नागरिक होने के नाते मैं फिर दोहराता हूँ, ये मेरा विशेषाधिकार है कि मैं आपसे ये अनुरोध करूं कि इन समस्याओं के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान से, चीन से, बर्मा से, माले से, नेपाल से, श्रीलंका से और अब बांग्लादेश से निपटने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, मंत्री हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, जिससे लोग हमारे देश में बढ़ रहे हैं। आप अगर अन्यथा न लें तो जितने लोग युद्ध में मरते हैं, जितने लोग आतंकवादी हमलों में मरते हैं, उससे 20 गुना ज्यादा या 1000 गुना ज्यादा लोग इन नेचुरल कैलमिटीज से जो मानव निर्मित हैं, क्योंकि उसका कोई इंतजाम होता नहीं है, सारा पैसा खा लिया जाता है, पैसा कम नहीं है लेकिन खा लिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी अगर आप तय कराएंगे तो आप इस देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। कोई व्यक्ति कभी देश के ऊपर उपकार नहीं करता, देश उपकार करता है कहा यह जाता है, लेकिन मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप भारत देश के ऊपर उपकार करेंगे अगर इन संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करा के, और इसी बारिश के बाद, बारिश, सूखा, बाढ़, जारा, इनमें जो गड़बड़ियां होती हैं, अगर सजा और जिम्मेदारी तय हो तो शायद देश का बहुत बड़ा भला हो। प्रिय प्रधानमंत्री जी, हमने ये प्रोग्राम लोगों की समस्याएं आपके सामने के लिए शुरू किया है, लाने के लिए शुरू किया है। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दलों का मसला है, उन्हें तय करना चाहिए संसद में क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन जनता को संसद देख करके थोड़ी सी चिढ़ होने लगी है, क्योंकि संसद में उनकी समस्याओं से ज्यादा सिवाय हो हल्ला, शोर शराबा और विषय के ऊपर बात न होना, इसको देख करके कोफ्त होती है। तो आपसे ये भी निवेदन करना है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं तो विपक्ष को साधने की जिम्मेदारी भी आपके जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी है। मैंने संसदीय कार्य मंत्रियों को देखा है कि किस तरह वो दौड़ दौड़ के सेंट्रल हॉल में आकर के विपक्ष के लोगों को लेके जाते थे, बात करते थे, एक रिश्ता बनाते थे, लेकिन वो रिश्ता अब कहीं बनता दिखाई नहीं देता। एक तो सेंट्रल हॉल है नहीं, सेंट्रल हॉल पुराने संसद भवन है में है जो अब संविधान भवन हो गया है। नए संसद भवन में हम लोगों को जाने की तो अनुमति है नहीं, लेकिन सुनते हैं कि वहां पर कोई भी सेंट्रल हॉल जैसी चीज नहीं, एक कैंटीन है जिसमें 20-25 लोग बैठ सकते हैं, बात हो ही नहीं सकती वहां पर। तो आपके संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी सांसदों से कैसे संपर्क करेंगे? एक ये आप बहुत समझदार हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन चूंकि मैं कभी आपसे पहले ही लोकसभा का सदस्य रहा हूं और उस लोकसभा का सदस्य रहा हूं जो लोकसभा इस देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा 9वीं लोकसभा मानी जाती थी, जिसमें राजीव गांधी थे,
जिसमें आडवाणी जी थे, जिसमें सोमनाथ चटर्जी थे, जिसमें रवि रे थे, ये कमाल की लोकसभा थी, और चंद्रशेखर जी थे। उस लोकसभा का मैं सदस्य रहा हूँ और मैंने देखा है कि संसदीय कार्य मंत्री किस तरह दौड़ दौड़ करके, और तब से लगातार मैं देखता रहा हूँ जब तक सेंट्रल हॉल चल रहा था, कि संसदीय कार्य मंत्री जाकर के 2014 से पहले बात करते थे विपक्ष के सांसदों से, विपक्ष के नेताओं से। वो शुरुआत फिर होनी चाहिए। सौहार्दता लोकतंत्र का मूल मंत्र है, उसकी जीवन दायिनी रेखा है। सौहार्दता, बातचीत, संवाद, अगर आप शुरू करेंगे तो आप इतिहास के अप्रतिम प्रधानमंत्री माने जाएंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे सवाल हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं। मैंने कहा ना, चीन की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, लंका जैसी समस्या हमारे यहाँ नहीं है। इनको इन इन इनसे जूझने का रास्ता सेना के लोग, आपके मंत्रिमंडल के लोग निकाल लेंगे, पर इन चीजों का रास्ता कोई नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी को जिम्मेदारी दी नहीं। आप किसी को जिम्मेदारी दीजिए या आप खुद मुख्यमंत्री से कहिए कि ये सारी चीजें देश के लोकतंत्र में, देश की जनता की हत्याएं बर्दाश्त नहीं। इन सारे प्राकृतिक आपदाओं में जो मौतें होती हैं वो हत्याएं हैं। उन हत्याओं की जिम्मेदार पानी, सूखा, सूरज या जाड़ा नहीं है, शीतलहरी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी मानव निर्मित है, जो कि व्यवस्था से जुड़े लोगों द्वारा पैदा की जाती है। क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, इसका फायदा उन हजारों लोगों की मौतों में निकलता है, जिनमें कुछ आंकड़े हमारे पास आते हैं और बहुत सारे आंकड़े हमारे पास नहीं। आशा है मेरे निवेदन के ऊपर आप ध्यान देंगे। प्रिय प्रधानमंत्री, नमस्कार।